क्या है, सब लोग जानते हैं क्या है, इन्फॉर्मेशन है इसको, है ना, लेकिन कैसे उड़ता है, हाउ, ये कौन जानता है, पायलट जानता है, इसको बोलते हैं नॉलेज। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में 95% लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक हम जब बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो मेरा एक टीचर बोलते थे, एक कहावत हमारे गाँव में, अधकल गगरी छलकत जाए, मतलब कोई बाल्टी में अगर आधा पानी हो। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल के एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस पे। हमारे जस्ट पीछे कलकत्ता की सबसे ऊंची बिल्डिंग द 42 है, उसके बाद इसी जगह पर रानी विक्टोरिया का मेमोरियल है। और आज यही मेरी एक ऐसे नायाब इंसान से मुलाकात हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पताका लहरा रहे हैं बड़े कम समय के अंदर। आपका नाम MD शहनवाज आलम है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है हमारे सोशल मीडिया चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप हाई स्कूल फेल हैं और हाई स्कूल फेल होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने छलांग लगा दिया। आपको ऐसा क्या यहाँ पे दिख गया या क्या आपको ऐसा मिलने लगा जिसकी वजह से आप तेल साबुन शैम्पू की दुनिया में चले आए, बताना चाहेंगे? जी सर, अभी जैसा कि माहौल चल रहा है अपने इंडिया का कि अभी पढ़ाई करने के बाद कोई भी इंसान MA कर रहा है, BTEC कर रहा है, CA कर रहा है, कोई भी बड़ा से बड़ा ये कोर्स कर रहा है, उसके बाद हर इंसान कहाँ जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है। जॉब मतलब क्या होता है सर, एक नौकर होता है, और जॉब जब करेगा तो 15-20 हज़ार, हाईएस्ट जाएगा तो 30-40 हज़ार के पास जाएगा, इसी 30-40 हज़ार में उसका लाइफ पैक हो जाता है सर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ से आदमी जितना ऊंचाई तक जा सकता है उसको कोई रोक नहीं सकता है सर, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये बात बोल सकते हैं कि MD शहनवाज आलम भाई हो सकता है पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहे हों, फेल हो गए हों, और नेटवर्क मार्केटिंग को सोचे हों, करोड़पति बनाने का धंधा है लपक के पकड़ लिए हों। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते होंगे। जी सर, सोचने वाले तो सोचते हैं, क्योंकि सोचने वाले का अपना माइंड उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम मान के चलते कि पढ़े लिखे लोग मेरे बारे में समझते हैं कि चलो ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमसे भी दिग्गज यहाँ पे लीडर लोग हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे, जैसे कि ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, ये बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, वो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग वो कर रहे हैं, तो हम तो उनके नज़रों में बहुत छोटी चीज़ है सर। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अनपढ़ इंसान भी यहाँ से बड़ा कर सकता है। बिल्कुल सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो भी इस इंडस्ट्री में इतिहास बनाए हैं, जानते हैं कुछ लोगों को? बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ना यहाँ पे कोई एज पूछा जाता है सर, न कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई कास्ट, ना कोई कलर, कुछ नहीं पूछा जाता सर। एक ही चीज़ हम लोग पूछते हैं किसी भी इंसान को अगर अपने साथ में एसोसिएट करते हैं तो उनसे एक चीज़ हम लोग खुद पूछते हैं कि आपके पास सपने हैं और आपके पास पैसे कमाने की आग है, वो बोलता है हाँ, हम लोग बोलते हैं वेलकम, आ जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के अंदर तो बोलते हैं भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें कुछ और काम करना है, कहीं और कोई बिजी है। आज ज़्यादातर लोग नौकरी की चपेट में मदमस्त हैं। आप लोगों से ज़िंदगी बदलने की बात करते हो, लोग आपको इनकार कर देते हैं, कैसा लगता है? सर, बात रही टाइम की, तो 8 से 10 घंटा जॉब करते हैं कोई भी लोग, वही 15-20 हज़ार रुपये के लिए। तो जो लोग जॉब करते हैं, आज से 10 साल पहले से जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी तक टाइम फ्रीडम नहीं मिला है। तो उन ऐसे लोगों से मेरा खुद सवाल है कि अभी तक 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम मिला नहीं मिला, क्या गारंटी है कि अगले 10 साल उसी जॉब को करते हुए आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम मिल जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए या मनी फ्रीडम मिल जाए? ऐसा जब 10 साल तक नहीं मिला तो आने वाले 10 साल में क्या खाक मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर, वो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अलावा कहीं से नहीं हो सकता है सर। अच्छा, MD शहनवाज आलम अपना क्या फ्यूचर देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? आपके बहुत सारे करीबी लोग तो आपसे बोले होंगे कि अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, चले जाओ दुबई, सऊदी, बहुत सारे चाचा मामा ताऊ, बहुत सारे दोस्त यार हैं, जाके वहाँ पे कोई काम कर लो, कोई धंधा कर लो, कुछ और कर लो। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चले आए, जबकि ये प्रोफेशन पहले ही बदनाम है, तेल साबुन शैम्पू बेचने के नाम से, फंसने फंसाने के नाम से, टोपी पहनाने के नाम से, फुद्दू बनाने के नाम से, ना जाने कितने नेगेटिव नामों से जाना जाता है। ये MD शहनवाज आलम क्या सोच करके इस इंडस्ट्री में आया है और क्या बिलीफ सिस्टम है आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? सर, बात रहा कि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये सब फंसने फंसाने का धंधा है, मानते हैं सर थोड़ी देर के लिए ये चीज़ है, ऐसा कंपनी आता है इस इंडस्ट्री में जो लोगों को दिनों रातों रात सपना दिखाता है कि करोड़पति बन जाएगा, 10 लगा 20 ले ले, 20 लगा 40 ले ले, तो वैसे लोग जो चाहते हैं रातों रात हम करोड़पति बन जाएँ,
तो वो लोग ही वैसे इंडस्ट्री में फंस जाते हैं और वही ऐसे लोग जो है मार्केट को जाके नेगेटिविटी करते हैं। अच्छा, लगाने वाले की गलती है, लगवाने वाले की गलती है कि दोनों की गलती है? लगवाने वाले की गलती नहीं है सर, लगाने वाले की गलती है, क्योंकि उसको कोई भी प्रोफेशन में जब जा रहा है तो उसको पूरी तरीके से स्टडी करना चाहिए कि हम किस प्रोफेशन में जा रहे हैं और कहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे है कि सपोज करो कि आप मेरे मामा हो, आप मेरे रिलेटिव हो, आप आए, मैं तो आपके फेस वैल्यू से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने बताया कि भांजे ये कर जाएगा वो कर जाएगा, लाखों आएंगे करोड़ों आएंगे, मैंने तो आँख पे पट्टी बांध करके आपको लाखों रुपए दे दिए, कल के हमारा वो पैसा भी डूब गया, अब हम क्या करें? आपको हम जिम्मेवार ठहराएं कि खुद को जिम्मेवार ठहराएं? सर, पैसा एक ऐसा चीज़ है कि अच्छा से अच्छा रिलेशन को ख़राब कर देता है सर, तो या वो मेरा खुद का बेटा हो या मामा हो या भांजा हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम किसको भी पैसा दे रहे हैं तो हम ये भी मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो पैसा यूज कर रहा है वो लड़का, ये पता होना चाहिए अपने को, तभी हम किसी को पैसा दे सकते हैं। आने वाले समय में पूरा भारत देश बीमारी और बेरोजगारी के चपेट में जाने वाला है। दुनिया का, भारत देश का कौन सा ऐसा हथियार है जो बीमारी और बेरोजगारी दोनों को खत्म कर सकता है, बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अभी हर घर में दो चीज़ जरूर मिलता है सर, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी, हर घर में सर ये मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो भी होती है उनके पास यही दो ऑप्शन रहता है दूर करने का, पहला कि वो बीमारी को भी दूर करते हैं और दूसरी कि बेरोजगारी को भी दूर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से आप सब कुछ दूर कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं और टाइम फ्रीडम कर सकते हैं अपनी लाइफ में और मनी फ्रीडम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, अगर मैं कलकत्ता की बात करूँ तो बड़ा चकाचौंध भरा पड़ा है, हर नौजवान निब्बी निब्बा की ज़िंदगी जी रहा। आपकी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से, आप भी उस खेमे में जा सकते थे, इतने जिम्मेवार और इतनी लाइबिलिटीज़ आप क्यों ले ली, क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको? क्या वास्तव में आपके जीवन में, आपके परिवार में अभाव दिखा या फिर आपको लगा यार कि कुछ जीवन में अलग करना चाहिए? सर, मैं तो अपने लिए ये सोचा हो कि अपने साथ साथ लाखों लोगों के लाइफ में बदलाव लाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और बात रही सर निब्बा निब्बी का, तो मेरा भी अभी एज 21 है, तो देखिए एज के हिसाब से हर इंसान चाहता कुछ भी करने के लिए, मैं लेकिन सोचा कि अपना पहले करियर को बनाओ, क्योंकि जब अभी जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, दोस्त यार है या रिलेटिव है, रिलेटिव तो नहीं पूछते हैं कि हाँ तुम किस, तो कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ऐसा ये तो नहीं पूछेंगे क्योंकि क्लोज है, फ्रेंड लोग ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो अभी वो ये लोग पूछ लेंगे कि कितना गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पास, कितना पैसा कमा, ये सब थोड़ा मोड़ा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब यही लोग मिलेंगे ना, तो ये नहीं पूछेंगे कभी भी कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कितनी है, लोग यही पूछेंगे कि कमाता कितना है, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, पैसा कितना कमाता है, समाज और लोग और दोस्त इस चीज़ पे आपकी औकात नापेंगे। तो आज आप उसकी कद्र कर रहे हैं और शायद उसी वजह से आज इंडस्ट्री में आप बूम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपके साथ सपना देख रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी इस फिसलन भरी दुनिया में फिसल करके किसी और गली में निकल जाओ और पता लगे कि एक मसीहा बनके MD शहनवाज आलम आया था ज़िंदगी बनाने के लिए, ना खुद बना पाया ना दूसरे की बना पाया और आज जहाँ के तहाँ रह गए, कभी ऐसा तो नहीं होगा आपके जीवन में? सर, मेरी लाइफ में तो एक बात तय है कि डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को तो हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जब एंट्री किए तो उसी टाइम सोच लिए थे कि इसको एज ए कैरियर इसी में पूरा झोंकना है सर, इसी में लगाना है और अपने साथ लाखों लोगों के लाइफ में लाइफ को बदलना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो आपको मना किया होगा, इनकार किया होगा, घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया होगा, ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया, वो तो बड़ी समस्याएं आई होंगी लाइफ में। बिल्कुल राइट सर, पहले बाहर वालों तो दूर की बात है, पहले घर से ही ये सब सवाल शुरू होता है कि बेटा मैंने दुनिया देखी है, मेरा बाल यूं ही नहीं पक गए हैं धूप में, तो ये सब घर से ही शुरू होता है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने सेमिनार में अटेंड किया, इसका पूरा सिस्टम वगैरह देखा, तो मुझे लगा कि बाहर मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इतना नेगेटिविटी है, तो बाहर में बहुत, देखिए सर एक नॉलेज होती है सर, एक इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन 95% लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है सर, नॉलेज नहीं है। इसको डिफिनेशन में हम सर बताते हैं, प्लेन उड़ता है सर, सब लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि प्लेन, मम्मी पास में रहेगी तो बोले मम्मी देखो प्लेन जा रहा है, सब लोग बोलता है बिल्कुल, लेकिन क्या है, सब लोग जानते हैं क्या है, इन्फॉर्मेशन है इसको, है ना, लेकिन कैसे उड़ता है, हाउ, ये कौन जानता है, पायलट जानता है, इसको बोलते हैं नॉलेज। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में 95% लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक हम जब बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो मेरे एक टीचर बोलते थे, एक कहावत हमारे गाँव में, अधकल गगरी छलकत जाए, मतलब कोई बाल्टी में अगर आधा पानी हो तो उसको लेके चलिएगा ना सर, तो बहुत उछलेगा कूदेगा, क्योंकि आधा चबर चबर करेगा, बहुत उछले कूदेगा लेकिन उसी बाल्टी में अगर पानी को फुल कर दे तो वो हिलेगा नहीं पानी। तो इससे साबित ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप
नॉलेज लो तो पूरी जानकारी लो, आधा अधूरा मत लो। हमेशा कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो आज मेरी मुलाकात और बातचीत एक ऐसे नायाब इंसान से हो रही है जिनका नाम MD शहनवाज आलम है। बड़े शिद्दत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ डायरेक्ट सेलिंग को चुना है एज अ करियर और आज न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहले इंसान पैसा नहीं, पहले इंसान एक अदबदार इंसान बनता है, एक नायाब इंसान बन जाता है, फिर अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बेहतर बनाना शुरू कर देता है। वो चरित्र से अच्छा हो जाता है, वो समय से अच्छा हो जाता है, वो कैरेक्टर से अच्छा हो जाता है, हर तरीके से अपने जीवन को सुदृढ़ बना लेता है। आज यही पैगाम ये भाई साहब आप सबको देना चाहते हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएं कॉल करें और बातचीत करें। और अगर आप पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से, हावड़ा से, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर सर से बातचीत करें। और एक चीज़ मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है तो आपकी भी ज़िंदगी बदलेंगे। बस आप पहले विचार तो करो कि आप इस दुनिया में आए क्यों हों। एक आखिरी पैगाम आपका क्या रहेगा लोगों के लिए? सर हम यही बोलेंगे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कहते हैं ना कि विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, पढ़ाई सीखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ो। लेकिन पढ़ाई का मकसद हमारे समाज में जब तक नौकरी पाना होगा सर, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। एक बार ये बात आप गरज के बोलेंगे, बहुत कटु शब्द है लेकिन लोगों को चोट लगना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं होंगे पैदा। और नौकर नौकर ही होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कटु है, अगर आपको बुरा लगे तो शाम को दो चार रोटी ठूस कर और खाना, सो जाना आराम से, लेकिन नौकर नौकर ही होता है। हिंदुस्तान की जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना रहेगा, तब तक इस हिंदुस्तान से नौकर और गुलाम बनते रहेंगे। इसलिए आज शहनवाज भाई अपने आप को शुरू किए हैं, अपने आप को आगे बढ़ाए हैं, आप भी बढ़ाइए। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं कॉल करें और बातचीत करें कि मैं आपके बिजनेस को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, आपके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।